बताया क्या क्या क्विज के मुताबिक कुछ अहम बातें बतानी है। उनमें से एक चीज ये है बच्चे कि आपका क्विज दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ग्रुप वन जो है जिनका रोल नंबर ऑड है वो सॉल्व करेंगे, ग्रुप टू इवन नंबर्स वाले रोल नंबर्स के लिए है वो सॉल्व करेंगे ये क्विज। अगर आपने क्विज बगैर देखे कर लिया तो क्विज करने का फायदा ही नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकली बच्चे ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू, ऑड वाले ग्रुप नंबर वन, इवन वाले ग्रुप नंबर टू वाले क्विज सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके अलावा बच्चे आपके पास ये जो पूरी आपका क्विज है ये कार डेटाबेस के ऊपर है, ठीक है। कार डेटाबेस आप किधर से हासिल करेंगे? वो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, उनके लिए बता रही हूँ। कोड लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, ठीक है, यहाँ कार टाइप करेंगे, आपको कार डेटाबेस मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और बाकी आपने लॉग इन करना है, रन स्क्रिप्ट करना है, ठीक है। वो स्टूडेंट जिनके पास नहीं है वो लॉग इन और रन स्क्रिप्ट करेंगे, ठीक है। रन स्क्रिप्ट अब लॉग इन कर देने के बाद वो कहते हैं कि ये स्टेटमेंट रन कर दिया नहीं, यस आपने ये रन कर देनी है। इट विल टेक सम टाइम, और उसके बाद आपने वर्कशीट के ऊपर वापस चले जाना है। जब ये रन कर लेंगे एसक्यूएल वर्कशीट पे वापस क्लिक करके चले जाएंगे। ठीक है, बच्चे आप ऐसी जगह पे हैं कि आपके पास वो डेटाबेस एग्जिस्ट करता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉन्टिनेंट्स कहूंगी तो कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, सीमा के अकॉर्डिंग अगर रन करूंगी तो कंटिनेंट्स की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। कंटिनेंट्स वाला टेबल आपके पास आ गया, उसके अलावा कार मेकर्स वाला टेबल है वहाँ पे, इसे रन करें। सीमा आपके पास मौजूद होगा, यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं अपने जवाब, ठीक है। क्या करना है, आपने जो जवाब लिखेंगे उसको यहाँ से कॉपी करके, जो भी जवाब आप लिखते हैं उसे कॉपी करके, और आपने अपने जो जिसके अगेंस्ट है उसमें जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। और मैं मार्किंग किस पेज पर करूंगी कि आपकी क्वेरी किस हद तक जवाब के करीब है और चलती है कि नहीं चलती आया, ठीक है। आपके पास 6 घंटे टोटल सॉल्व करने के लिए, दैट्स ऑल।